वेलकम टू द टर्निंग पॉइंट। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास कपल मौजूद हैं और इंट्रोडक्शन अगर मुझे देना हो तो आई कैन कॉल देम दलाल स्ट्रीट का स्टार कपल। हमारे साथ शंकर शर्मा और देवीना मेहरा है। शंकर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम मैम। आप खैर यू नो आपके जो मार्केट व्यूज़ हैं उसकी तो जनता काफ़ी बड़ी फैन अरसे से रही है, इवन योर्स। बट कोशिश हमारी यह है कि इस बातचीत में हम दर्शकों को ये बताएं कि ये एक स्टेचर जब आप दलाल स्ट्रीट पर या फिर इवन कहीं भी कैपिटल मार्केट में इवन एट ग्लोबल लेवल अचीव करते हैं तो उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओवरनाइट हो जाता है। सो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। यू नो यू बोथ ऑफ यू इनफैक्ट हैड अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन एट सिटी बैंक एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जॉब्स दैट वन कैन एवर हैव इन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस एवर। तो फिर ये अर्ज कहाँ से आई आपको कि यार इसको छोड़ के कुछ और अपना अलग से करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? मेरे लिए तो ये डिसीजन जब मैं MBA में था तभी बन चुकी थी कि मुझे कुछ अपना ही करना था और अपना करने के लिए स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज बेटर कोई बिजनेस नहीं, बिकॉज यहाँ बिना कैपिटल के कुछ तो कर सकते हैं, बाकी जगह तो प्लांट मशीनरी के लिए चाहिए होता है, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल दिमाग है और उसमें अगर थोड़ा बहुत आपने मेहनत किया और नसीब ठीक रहा तो आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हो एटलीस्ट एज योर स्टार्टिंग कैपिटल। तो मेरे लिए वो डिसीजन बन चुका था बिफोर आई ज्वाइन सिटी बैंक। और सिटी बैंक ज्वाइन करने के बाद वो डिसीजन और मेरी इच्छा छोड़ने की और प्रबल हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये फॉरेन बैंक के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ और उस वक्त तनख्वाह भी कुछ मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये महीने होती थी। तो मैंने कहा अगर इतना भी नहीं कमा सके निकल के तो फिर लानत है हम पे और हमारे एजुकेशन पे और MBA पे। तो मेरे लिए वो डिसीजन आसान था और मैंने 1989 के एंड में छोड़ा, 90 में स्टार्ट किया बिजनेस और देवीना 1993 में छोड़ के साथ बिजनेस में आ गई। बट यू आर ऑल्सो फुल्ली कन्विंस्ड व्हेन ही टोल्ड यू कि दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। वी वर नॉट मैरिड इन दैट टाइम, कलीग्स, तो उस समय तो इट वाज हैंड्स ऑफ डिसीजन फॉर मी। मैं ठीक है, एज अ फ्रेंड आई वाज एनकरेजिंग, बट मेरा अपना जहाँ तक है मेरा थोड़ा सा पाथ डिफरेंट था, इन द सेंस कि मेरा जो मोटिवेशन रहा था वो शुरू से था कि किस चीज़ में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरा जो पूरा करियर में यही था कि बोरियत नहीं होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए काम में। तो मैंने सिटी बैंक में पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग में काम किया, उसके बाद मैं क्रेडिट एनालिस्ट थी, जिस काम में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में सीखने को मिला, बहुत सारी प्लांट विजिट्स की, बहुत कुछ सीखा। उस समय कैपिटल मार्केट्स में उस तरह का प्रोफेशनलिज्म की कोई जगह नहीं थी, ना ही वैसा कुछ रिसर्च का ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी भी थी। वो जब 1993 में तब डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट आया, उन्होंने FIIs के लिए मार्केट खोला, तब ये सोचा कि हाँ अब ये मार्केट भी प्रोफेशनलाइज होगी, यहाँ भी इंडस्ट्री को समझने का, इक्विटी रिसर्च के कुछ वैल्यू होगी। तो तब मैंने सोचा कि इसमें आते हैं। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी मेंबरशिप खोली थी प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें अप्लाई किया, उसमें मेंबरशिप भी मिल गई, पर वही 93 के एंड तक ये मैंने छोड़कर। बट यू नो आई मीन एंड आई नीड आप दोनों की, यू नो वर्किंग विद सिटी बैंक विच इज़ अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन और उनका काम करने का तरीका अलग है। व्हेन यू कंपेयर इंडियन मार्केट्स, स्पेशली उस समय के जब आपने काम की शुरुआत की होगी, वॉजेंट इट फ्रस्ट्रेटिंग द वे इंडियन मार्केट्स ऑपरेटेड एंड कुछ यू नो कहीं सुनी बातों पे चलना, रिसर्च पे ज़्यादा जोर देते नहीं थे लाइक यू राइटली मैंशन, बाद में फिर भी इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ा। इट वॉज क्वाइट अ टास्क एंड चैलेंज एक्चुअली टू यू नो मेक दैट मूव। बात सबकी सही है इन द सेंस के सिटी बैंक एक मल्टीनेशनल बैंक थी और लोग जनरली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, टाई और सूट में होते थे और उनको छोड़ के सीधा अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग में पहुंच जाओ, जहां की अगर आप सोफिस्टिकेटेड हो तो आपके लिए वो एक सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। So that becomes a hindrance for you. It's a big hindrance. और अगर आप थोड़े शहरी किस्म के हो तो वहां तो लोग आपको बिल्कुल मार डालेंगे और प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो लोगों के लिए, कई लोगों ने सिटी बैंक छोड़ा भी था, बैंक छोड़े थे, बिजनेस में आए थे, उनके लिए कल्चर शॉक काफी था कि यार हम कहाँ आ गए ये तो मतलब। और उन दिनों मार्केट में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं थी इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस या प्रेजेंटेशन,
और इनफैक्ट ये तो उस वक्त की बात भी थी कि जो सबसे जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे लाइफ में वो लोग स्टॉक मार्केट में चले जाते थे, कोई स्टेटस भी नहीं था इस चीज का बिल्कुल. या एग्जैक्टली कोई पढ़े लिखे लोगों की कोई जगह नहीं थी, ये तो ये कल्चर शॉक तो था और वही एक मेरे ख्याल से एक बैरियर थी कि यार ये चीज में जो मैं कर रहा हूँ वो अब चल के सुधर जाए, इसकी छवि तो ठीक है लेकिन फिलहाल छवि तो ठीक नहीं है इसकी. एंड सेकंड पार्ट लाइक यू मेंशन कि ये ज्यादा प्रेस्टीजियस भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि यू नो इट वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब की जो आप कर रहे हैं. बिल्कुल ही नहीं, सिटी बैंक छोड़कर ये शुरू किया तो सबसे पहले इनकी मम्मी ने इनको यही बोला कि तुमसे शादी कौन करेगा. एवरीबॉडी वाज शॉक्ड ऑन यू. एब्सोल्युटली रादर, मैंने तो इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू मैंने अपनी मदर को बताया ही नहीं था कि मैंने सिटी बैंक छोड़ दिया है. तो वो एक छोटे से शहर में रहती थी, धनबाद नाम के शहर में, और उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप चिट्ठी विट्ठी के थ्रू ही आप कम्युनिकेट करते. तो मैंने साल भर कुछ बताया ही नहीं. मैंने बोला मैं बताऊंगा तब तो मतलब पंगा हो जाएगा, और जब बताया तो हुआ ही पंगा. इन द सेंस कि मतलब सिर्फ किसी माँ को लगता है अगर इकलौता बेटा है तो उसकी शादी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ब्रोकर से कौन शादी करेगा. तो वो एक था, एक कल्चर शॉक था, कल्चर बैरियर था डेफिनेटली. बट उसी में एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी थी क्योंकि अंडर रिसर्च मार्केट है कि कोई कल्चर ही नहीं है कंपनी से जाके मिलने का, उसका एक्चुअल बिजनेस समझने का, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है. ये अलग बात है कि कंपनीज को भी इक्विटी रिसर्च नाम की कोई चिंता भी चीज होती है, उसका ही कुछ ज्ञान नहीं था. ऐसा है जैसे अभी वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर है, ऐसा कुछ नहीं था. बहुत सारी कंपनी में फ़ोन करो, लोग बोलते थे आप लोग कौन है कि हम लोग को नहीं मिलना, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, उसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं बताएंगे. तो वो मज़ेदार चीज़ भी थी कि उस समय. बट वॉजंट इट फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि आप कंपनी को फ़ोन कर रहे हो, कंपनी को चिंता ही नहीं है कि यार कोई क्या सोच रहा है उनके बैलेंस शीट के बारे में, या फिर यू नो. देखिए फ्रस्ट्रेटिंग तब होता है अगर हम उससे कोई बेटर चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर चुके होते. बट हमको लग रहा था कि वो अगर छः महीने में एक बार मिल ले इतना ही बहुत है, या उसने बैलेंस शीट दे ही दिया हमें तो बड़ी बात है. अगर आज कोई कंपनी ऐसा करे कि आप छः महीना फोन करते रह जाओ और ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन की बात होगी. उस समय यूर यंग, वो मज़ा भी आता है कि ठीक है नई नई चीज़ कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, वहाँ कंपनी ने कहा नहीं भी मिलेंगे तब भी उसकी फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, कोई तो मिलेगा उसके फैक्ट्री लेवल के लोगों से मिलके. इनफैक्ट ज़्यादा मालूम चलता था बजाय कि आप फाइनेंस CFO से मिलें या फाइनेंस में किसी से मिलें. तो उस तरह से सीखने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मुझे तो मज़ा आया वो. आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड. कुछ और बात करेंगे, खासकर जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. एक छोटा सा ब्रेक लेकर जब लौटते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टर्निंग पॉइंट में. हमारे साथ शंकर शर्मा और देवीना मेहरा बने हुए हैं. सर, ये जो रिसर्च की बात हुई, एक तो उस समय वैसे ही इंडियन मार्केट के लिए ग्रीक वर्ड था, पता ही नहीं था किसी को क्या होता है ये, और उसमें आपने जो कुछ एक रिकमेंडेशंस दी थी उस समय दे वर क्वाइट हिट एंड एट द सेम टाइम क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो. आपकी सबकी यादगार, सबसे यादगार रिकमेंडेशन आप दोनों की आपके लिए पर्सनली कौन सी है? यादगार रिकमेंडेशन तो कई रही हैं मेरे हिसाब से. I mean, one of course I remember the most contrarian was Telco, जिसे उस समय सबने almost write off कर दिया था. But apart from that, अगर मैं 90s की बात छोड़ दूँ, early 2000 में टेक्नोलॉजी पे नेगेटिव होना वो एक बहुत बड़ा कॉल था, बहुत बड़ा व्यू था, बिकॉज इन्फोसिस एट्सेट्रा काफ़ी और विप्रो और सारी जितनी जी सारी काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स थी, लोगों ने कई गुना पैसे भी बनाए थे, तो उन पे अगर आप नेगेटिव व्यू दो, नेगेटिव रिपोर्ट दो, तो वो काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है. बट जैसा नज़र आया बाद में कि शेयर प्राइसेस घटते ही चले गए कई कई सालों तक, तो बड़ा टफ कॉल था. और उस वक्त मेरे हिसाब से हमें काफ़ी प्रेशर भी फेस करना पड़ा क्लाइंट से, लोगों से, और ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम. और उसके बाद जाके एज रिसेंटली एज 2007 में जब सारे वायरलेस कंपनीज भारती एट्सेट्रा वैल्यूएशन उनके काफ़ी हाई लग रहे थे हमें, बट उस वक्त सब्सक्राइबर ग्रोथ के चलते लोगों की काफ़ी बुलिशनेस थी, तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि अब ये सेक्टर पीक आउट हो रहा है. वो भी अगेन एक काफ़ी टफ कॉल था. और देवीना ये कन्विक्शन कहाँ से आता था? बिकॉज यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट एंड से समथिंग जो कोई बिलीव नहीं कर रहा है, या फिर सब लोग मान रहे हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है. बिकॉज आई रिमेंबर 2008 में जब आपने बोला था इंडेक्स 4 डिजिट में,
तो तभी भी ऐसे ही नॉइसेज हुए थे कि यार फोर डिजिट तो इम्पॉसिबल है, इंडियन मार्केट में हो ही नहीं सकता. आई एम टॉकिंग अबाउट प्री लेमन जो आपने दिया था. सो ये कन्विक्शन, हाउ डिड यू मैनेज दिस कन्विक्शन? कन्विक्शन एनालिसिस से आता है. अगर आप जैसे स्टॉक्स या सेक्टर्स की बात करें, तो जैसे कि शंकर जैसे टेलीकॉम की बात कर रहा था, हम लोग ग्लोबली टेलकोस को स्टडी करते हैं, तो हम लोगों ने वो ट्रेजेक्ट्री देखी कि कैसे कंट्रीज़ में किस तरह से सब्सक्राइबर ग्रोथ होती है, कैसे बियॉन्ड अ पॉइंट आपका पेनिट्रेशन हैज़ टू टेपर ऑफ, ऑल्सो हाउ मार्जिन बिहेव, हाउ वैल्यूएशंस बिहेव, एंड यू कैन मेक दैट कॉल. आई मीन टेक्नोलॉजी में अगेन फॉर इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा, हम लोगों ने एक मेरे ख्याल 10 या 11 साल पहले एक एनालिसिस किया था कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है जिसमें उनको लोग बहुत चाहिए होंगे, और हम लोगों ने उस समय ये हम लोग के कवर पर ये था कि दीज कंपनीज विल एम्प्लॉय मोर पीपल देन टाटा स्टील विच वॉज सपोज टू बी यू नो एट दैट टाइम. मतलब उस वक्त उनके पास 65,000 लोग थे, इनके पास मेरे ख्याल 20,000 से भी कम लोग थे. और अब आप देखिए तो TCS का 1,60,000 प्लस लोग हैं. तो वो एक या जैसे अगर आप 90s में देखें तो बहुत सारे उस समय के पॉपुलर स्टॉक्स पे जैसे रैनबैक्सी था, HDFC था, उस समय हम लोगों ने उसका ये एनालिसिस किया था कि रिटर्न ऑन कैपिटल इनका घटता जा रहा है, तो चाहे ये FIIs के कितना भी फेवरेट स्टॉक्स हों, ये अंडर परफॉर्म करेंगे ही. और वो 5 साल का ऐसा पीरियड रहा कि वो स्टॉक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया. जहाँ तक मेरी बात कन्विक्शन की, देखिए साहब, कन्विक्शन ओनली कम्स आउट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क. और कन्विक्शन अपने आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है. कन्विक्शन में आप बेवकूफ़ी की कन्विक्शन भी कई होती है, हम लोग की भी होती है, तो वो अपने आप में कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी खासियत है. लेकिन अगर आप लॉजिकली चलें मार्केट में, कई बार बहुत इलॉजिकल चीज़ें नज़र आती हैं. राइट टाइमिंग उसमें पकड़ना इज़ द की. कई लोग एक व्यू लेके चलते हैं, वो थर्ड ईयर में जाके व्यू राइट होता है. मैं उसको मानता हूँ कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. अगर मैं आपको आज बोलूँ कि यह शेयर अच्छा लगता है, वो 3 साल के बाद जाके उसने परफॉर्म किया, तो उस वक्त मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ. किसी भी चीज़ को एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में सामने उभर के आना चाहिए, चाहे वो बेरिश कॉल हो या बुलिश कॉल हो. तो हमारी सारी फोकस इस पर है कि एनालिसिस सब करने के बाद देन वी ट्राई टू सी, हम ये कोशिश में रहते हैं कि टाइमिंग अब कब है जब ये कॉल करें. कई चीज़ें नज़र आनी चालू हो जाती हैं बिफोर वो आपको नज़र आपको सुनाई देती है. तो वी वेट लॉन्ग इनफ फॉर अस टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द राइट टाइम. वो राइट टाइम कैसे मालूम चलता, वो एक अलग कहानी है. दैट्स ट्रू. बट देवीना, वाज इट चैलेंजिंग स्पेशली इन्फोसिस का जो कॉल था आपका? बिकॉज जिस समय आपने सेल कॉल दिया या फिर जब आपने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी FIIs को, उनका रिएक्शन क्या था? बिकॉज यू नो ऑब्वियसली इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्टॉक्स एट दैट पॉइंट, एंड जिस तरह से वो उस समय एक फैंसी क्रिएट हुई थी उसमें, यू नो, गोइंग अहेड एंड टेलिंग योर क्लाइंट्स कि बॉस आई फील यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स, और उसके बाद भी जब वो स्टॉक चलता है एंड फॉर क्वाइट सम टाइम, तो कहीं ना कहीं इट्स, यू नो, इट्स अ नर्व रेकिंग थिंग. तो वो, हाउ डिड यू मैनेज दैट, हाउ डिड यू टैकल दैट? तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम. मतलब वो अगर आपको किसी भी चीज़ में आपका जो भी कॉल ऐसा है जो मेमोरेबल रहेगा, वो यूजुअली उस समय ऐसा ही होगा कि दैट इज़ अगेंस्ट कंसेंसस. तो वो अगर आपका कन्विक्शन है तो आप तभी उस चीज़ को आप बता सकते हैं क्लाइंट्स को कि दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई वी थिंक. लेकिन बात यह है कि कोई उस वक्त बात मानेगा नहीं. ये बात एक रूल है इस बिजनेस का, आप समझ लो ये एक बाइबल है इस बिजनेस में, कि जब तक लोगों को एक प्रिय चीज लगती रहेगी, वो कभी भी उसके विपरीत कोई भी व्यू हो, सुनने को कोई तैयार नहीं होगा. जब वो विपरीत व्यू जो है वो रियलिटी हो जाएगी, तो वही लोग कहें कि नहीं, उस वक्त तो मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है. मैंने ये अपने 20 साल के करियर में कई फंड मैनेजर्स सबको देखा है, यही कहते हो कि नहीं, हमें तो मालूम था IT स्टॉक सब ओवर वैल्यूड थे और सब लोग 200 PE पे ले रहे थे सब. वो हो जाने के बाद एवरीबॉडी इज वाइज आफ्टर द इवेंट. ये बिजनेस का रूल है. काफी छोटे समय में यू गॉट इनटू, यू नो, टॉप लीग, यू बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 ब्रोकर्स आल्सो इन द कंट्री, एंड ऑलमोस्ट अ मीटियोरिक राइज प्योरली ड्रिवन बाय रिसर्च, जो कि उस समय काफी एब्सेंट था इंडियन मार्केट में. ऑल हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज यू नो when you entered, you also must have had your own doubts ki yaar pata nahi
कैसा होगा? यू मस्ट हैव गिवन योरसेल्फ सम टाइम कि इतने वक्त ये करके देखते हैं. ये बिजनेस बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था, और जस्ट बिकॉज ये कोई इंसान इस चीज को 50 साल से कर रहा है डज नॉट मीन कि कोई आदमी सिर्फ 5 साल में वो उससे बेटर नहीं समझ सकता है. ये बिजनेस में एक्चुअली काफी डेमोक्रेसी है इन दैट सेंस. तो आज भी कोई नया बच्चा आए, मैंने ये नहीं कहता 5 महीने में कर लेगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो इतनी लगन, इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम, इतनी इतिहास की स्टडी कर ले कि जो कई लोगों को 20 साल लगा, हो सकता है कि वो 5-7 साल में भी उतना सक्षम हो जाए. ये इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है. और वो अपॉर्चुनिटी खाली मतलब बहुत अनसोफिस्टिकेटेड मार्केट में ही नहीं है, मतलब इवन इन सोफिस्टिकेटेड मार्केट काफी ज्यादा रिसर्च में गैप रहता है, जो कि हम लोगों ने US जाने के बाद समझा. हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब वो छोटे कुएं में तो खेल लिए, अब देखते हैं जो दुनिया समझती है बड़ा सागर है, वहाँ अपना कुछ नाम कमा सकते हैं कि नहीं. तो वहाँ भी जाके देखें तो आप मतलब आप एक बेसिक जो एनालिसिस और रिसर्च करें तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ डिस्कवर होने का है सब कुछ हो गया है और सब कुछ सबको मालूम है और नई चीज़ आप नहीं निकाल सकते. नहीं, बहुत इनएफिशिएंसी. इस बिजनेस का नाम ही इनएफिशिएंसी है. वी सॉ इन लेमन क्रैश आल्सो. कुल एज अर्ली एज दैट. सो आप सिटी बैंक को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, उन्होंने भी कितनी गलतियां की. तो मतलब इस बिजनेस का नाम ही इनएफिशिएंसी है. दैट्स ट्रू. चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत करते हैं. लौटते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द टर्निंग पॉइंट. शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू, यू नो सक्सेस एक चीज़ होती है, चैलेंजेस या फेलियर्स दूसरी है. बट व्हेन यू रिमेंबर दोज डेज नाउ और व्हेन यू लुक बैक, अभी आप ऐसे यहीं पे बैठ के यू नो आप जब शाम को सोचते होंगे अबाउट दोज डेज, तो व्हाट डू यू फील? बिकॉज आई मीन तब जब आप यू नो अगर सरकार किसी की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लगाने का ऑप्शन चुन ले तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है टू हैंडल समथिंग लाइक दैट. उसमें एक ही चीज़ है साहब, के पहली बात है कि कई लोगों ने पूछा भी हमसे कि तुमने किस तरह से फाइट किया. फाइट किया तो क्यों किया, क्यों नहीं हाथ जोड़ के तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. और हमारा उसमें जवाब बड़ा सीधा सा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं साहब जिसको कुछ छुपाने का होता है. और सच्चाई की एक अपनी शक्ति होती है, जो कि अगर आप सच्चे नहीं हो आपको ये बात समझ में आएगी ही नहीं. सबसे पहली बात तो ये है. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिजनेस करने के जो तौर तरीके हैं उसमें सच्चाई की एक जगह बहुत कम होती है. बिकॉज इस हमारे देश में बिजनेस की इवन नाउ यू फील 100% इससे बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है. आप दोनों आपस में उस समय एक दूसरे को हिम्मत कैसे देते थे? बिकॉज यू नो इट्स अ सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट लाइक एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू. इट्स अ वॉर. It's very difficult to hold now. To keep repeating to yourself and to each other that you can't let your mind and spirit break. क्योंकि अगर वो होता है तो वो जीत गए. And you can't let evil win. Because you're very clear कि सच्चाई आपके साथ है. सच होना एक बात है, उस सच को दुनिया में सबके सामने बोलना उस समय जब हर कोई ये सोच रहा है कि they will be finished. क्योंकि उनके पीछे पूरी government machinery है virtually. ये बड़ी हिम्मत की और बड़ी कन्विक्शन वाली बात होती है टू हैव गट्स टू यू नो इवन गो एंड स्पीक अबाउट इट टू द वर्ल्ड हुज ऑलरेडी हैविंग डाउट्स. ऐसा है कि उस वक्त आप ये मान के चलिए कि शायद हम बच्चे थे, तो अगर आप बच्चे हो गए तो आप में डर कम होगा. जैसे आप मैच्योर होते हो शायद डर कम डर इंसान का बढ़ता है. और उस वक्त तक तो ये आपको विश्वास था, हमें विश्वास था कि रूल ऑफ लॉ है इस कंट्री में, डेमोक्रेसी है. आज शायद वो भी विश्वास थोड़ा कम है. और ये जो पूरी हमारी फाइट रही उसमें मतलब ईवल और ख़राब लोग तो मिले पर उनकी संख्या बहुत कम थी. और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हेल्प किया, सपोर्ट किया. और ये नहीं कि खाली हमारे जो दोस्त थे या फैमिली थी, बहुत सारे अनजान लोग जिनको हम लोग पहले नहीं जानते थे, चाहे वो लॉयर्स हों, मीडिया में हों और लोग हों, पॉलिटिक्स में हों, कितने लोगों ने हमारी तरफ से हमारी फाइट को आगे बढ़ाया. तो उससे एक तरह से आप कहें तो ह्यूमैनिटी पे कॉन्फिडेंस बढ़ा ही कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं. आप ये समझ लीजिए संविधान में थोड़ी कॉन्फिडेंस कम हो गई, लेकिन इंसानियत में कॉन्फिडेंस हमारी बढ़ गई. मैं इस तरह से इस चीज़ को बता सकता हूँ. बट यू गेव अ वेरी टेलिंग स्टेटमेंट कि अब शायद उतना भरोसा डेमोक्रेसी पे नहीं रहा है. नहीं रहा. मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है,
और डेमोक्रेसी एक लिमिटेड सेंस में है, कई देशों से बेहतर, इतना भी कहूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस चीज पर कोई एब्सोल्यूट फेथ रखना, चाहे तो अपनी न्याय प्रक्रिया पे 100% फेथ रखना या अपने डेमोक्रेसी संविधान पे रखना, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा अगर कोई इंसान ऐसा माने तो। राइट, अब चलिए, खैर ये तो बीती बातें हुई, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दिस होल थिंग एंड ऑब्वियसली दैट्स ऑल गॉन इन द पास्ट नाउ, फ्रॉम हियर ऑन चैलेंज यहाँ से आगे बड़ी क्या है आप दोनों के लिए? एटलीस्ट मेरे लिए तो इस प्रोफेशन में कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज अब इंक्रीमेंटल एक और नया इन्वेस्टमेंट आइडिया निकालना, एक नए सेक्टर का बेट निकालना, एक नया मार्केट कॉल निकालना, वो उसकी एक यूटिलिटी सुनने वालों के लिए ज़्यादा होगी, पर्सनली हमारे लिए उस बहुत कम है, उतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो अब यही सोचना है कि अब एट दिस स्टेज आप कुछ नया गेम निकालो जहाँ पर यू आर अगेन द न्यू कमर, जहाँ अगेन आप किंडरगार्टन लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, जहां पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब उस गेम की तलाश है मैं कि अब वो क्या किया जाए जो कि अब जहां पर हम बैक टू स्कूल के सिचुएशन में पहुंचेंगे। 10 साल पहले लगा कि अब ये मार्केट समझ में आ गई तो हम लोग यूएस में गए, अब ठीक है चाइना और कुछ और मार्केट्स ऐड कर रहे हैं, पर वो भी काफी नहीं लगता है। और अब ये आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ, आपको ये और भी चीज मैं बता सकता हूँ कि हालांकि हम लोग स्टॉक मार्केट में हैं, हम स्टॉक मार्केट की वर्चुअली कोई मतलब चर्चा घर पे या बातचीत ये वो मतलब रेयरली करते हैं बात, कोई इवेंट हुआ, कोई कंपनी की बात हुई है हुआ, बट अब उसमें भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती है कि इसीलिए जो हम दोस्तों की कोई पार्टी होती है तो हम अवॉइड करते हैं कि यार वहां पर फिर बैठ के मार्केट की बात मत करना। मैंने तो कई ऑप्शन सोचे हैं, अब देवीना का पता नहीं है, बट व्हाट इज इट, नहीं मतलब मैं स्कूल में काफी लिखने में मैं रुचि रखता था, काफी उपन्यास मैंने लिखे स्कूल में, तो अब सोचता हूँ कि वो एक अल्टरनेट करियर है। तो यू कैन राइट अबाउट योर लाइफ आल्सो, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वो भी है, वो भी डेफिनेटली एक ऑप्शन है और सिमिलर थिंग्स। और दूसरा तो मैं कहता हूँ, हालांकि कोई इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग चीज आई नहीं है सामने, लेकिन आजकल भोजपुरी पिक्चरों की काफी पॉपुलैरिटी आ गई है, खास करके दबंग जैसी वाहियात पिक्चरों के बाद, तो अब मैं सोचता हूँ कि कंसिडरिंग कि मैं भी उसी इलाके से हूँ, तो शायद मैं भी कोशिश करूँ कोई भोजपुरी पिक्चर में रोल मिल जाए। तो मेरे लिए ये दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अब काफी मुझे नीरस बोरियत उसमें महसूस होती है, तो कुछ अब इंटरेस्टिंग चीजें, तो मेरे ख्याल भोजपुरी पिक्चर एक अल्टरनेटिव सीरियसली में, और हो सकता है इसके माध्यम से शायद कोई रोल भी आ जाए इस इंटरव्यू के माध्यम से। योर व्यू ऑन दैट इज वेलकम टू इट, बट मैंने बोला कि बहुत हॉट एंड डस्टी शूटिंग कंडीशन होंगी ये सोच लो। But I think he is prepared for that. हाँ मतलब देखिए, अगर कोई अच्छी इंटरेस्टिंग आएगी अपॉर्चुनिटी तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। One thing that you most like about him? He has a very generous heart. तो टोटली रॉन्ग बात है, तो मतलब ये तो सिर्फ टीवी के लिए बोला जा रहा है। क्यों? One thing that you like about her? One thing तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, लेकिन आई जस्ट थिंक के एक इंसान जो कि अपने प्रोफेशन में इतना सक्षम हो और पढ़ाई लिखाई में, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर ऑफ आईएम अहमदाबाद, और मैं कई टॉपर से मिला हूँ, और इतना हम्बल रहना वो एक बहुत बड़ी खासियत है, बिकॉज हम खुद में वो क्वालिटीज वी ट्राई टू इनकलकेट कि हम हम्बल रहें, जितना ग्राउंडेड रहें, एंड इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। यू वांट टू ऐड समथिंग? आपका आंसर काफी छोटा था, इनका काफी बड़ा था। बट एनीवेज, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू बोथ ऑफ यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मेयर, थैंक्स मेयर।